आइए इस वीडियो में अब हम वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 100 किलोमीटर। अनिल ट्रेवल फर्स्ट 2/3 किलोमीटर बाय बस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय ट्रेन। फाइंड द डिस्टेंस अनिल ट्रेवल बाय ट्रेन। अब ये जो हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया गया है उसको हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनास एजू वर्ल्ड में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 100 किलोमीटर। फिर सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि अनिल ट्रैवल बाय बस इज 2/3 किलोमीटर, 33 and 2/3 किलोमीटर। एंड फिर लास्ट में हमें पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस अनिल ट्रैवल बाय ट्रेन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो पहले समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमें टू प्लेसेस का डिस्टेंस दिया गया है। लेट्स ये प्लेस ए है, हम समझेंगे कि ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। अब ये जो प्लेस ए और बी, इन दोनों का डिस्टेंस हमें दिया गया है और वो है 100 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कि अमित जो है वो पहले बस से ट्रैवल करता है। सबसे पहले ये जो प्लेस का डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करता है, तो सबसे पहले वो बस से ट्रैवल करता है और बस से वो कितना ट्रैवल करता है, तो 33 by 2/3 इतना ये बस से, इतना किलोमीटर ये बस से ट्रैवल कर लेता है और बाकी का जो डिस्टेंस है वो अनिल ट्रेन से ट्रैवल करता है। तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे दिया गया है और फिर बस का डिस्टेंस दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल है उसमें से इस बस का हम माइनस कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिक ये ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। तो आइए इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि इसका ऑपरेशन हम क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए हम यहाँ पे जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, बस वैसे ही अब हमें करना है। तो सबसे पहले हमें जो टोटल डिस्टेंस दिया गया है 100 किलोमीटर, तो वो हम लिख लेंगे 100 किलोमीटर। अब हमें इसका माइनस करना है 100 का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन करेंगे और फिर ये जो बस का किलोमीटर जो दिया है वो हम लिख लेंगे 33 2/3। ये हमने लिख लिया माइनस करके, मतलब 100 में से हम 33 2/3 को माइनस करेंगे तब हमें ट्रेन का डिस्टेंस, हमें कितना उसने ट्रैवल किया था वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो 100 है वो फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर है और ऑलवेज जो होल नंबर रहता है उसका डिनोमिनेटर 1 रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और ये जो है, ये जो बस से उसने ट्रैवल किया था वो जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर लिख लेंगे 3, फिर मल्टीप्लाई बाय उसका होल नंबर लिखेंगे एंड प्लस उसका न्यूमरेटर लिखेंगे और अपॉन 3। तो हमें क्या मिला, 33 3 99 + 2 100 and 101, 101/3 ये इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया कि जो इसने बस से ट्रैवल किया था वो वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 101 है उसमें से 101/3 इसको हमें माइनस करना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो ही फ्रैक्शन है इसलिए हम एलसीएम फाइंड आउट नहीं करेंगे, लेकिन दोनों फ्रैक्शन को सबसे पहला ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या मिलेगा मुझे, 101
वन मल्टीप्लाई बाय उसको थ्री से कर देंगे। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है वो लिख लिया, फिर 101 अपॉन 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, 100 3 300 माइनस 101 1 101 एंड अपॉन यहाँ पे 3 1 3। तो यहाँ पे आंसर हो गया 199। 300 माइनस 101 करेंगे तो हमें मिलेगा 199 अपॉन 3। तो ये तो हमें सिंप्लीफाई करके आंसर मिल गया, हमने माइनस करके कर लिया दोनों फ्रैक्शन को। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल है या नहीं। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट अब इसको, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 199 डिवाइड बाय 3, 3 6 18, यहाँ पे 1 बच के 9 को मैंने नीचे उतारा, अगेन 3 6 18, यहाँ पे बच गए 1। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 366 होल नंबर एंड ये जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर। तो 66 1/3 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया। तो ये है इसका फाइनल आंसर। और हम अब हम इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर अनिल ट्रैवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू 66 1/3 किलोमीटर। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।